मोमिन के आने से आपका दिल बहुत बहल गया है, इस मरतबा आप मुझे बूढ़े नहीं लगे। सही कह रहे हो तुम इब्राहिम, कल में मोमिन के आने से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सारी कायनात मेरे पास आ गई। अगर आपकी बहू एक्ट्रेस ना होती तो शायद मोमिन को कभी आपके पास ना भेजती। वो देख हुआ है, मैं सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार सकता। नेक व्यू तो आप हैं अब्दुल आला साहब, जो उस औरत के लिए ऐसा कह रहे हैं जो आपका बेटा छीन के ले गई और उसकी मौत की भी जिम्मेदार है। ऐसा मत कहो भाई, ये तो मेरे अपने गुनाह हैं, मेरी अपनी खताएं हैं जो मेरे सामने आ रही हैं। अल्लाह खैर करे और सबका पर्दा रखे। हम तुम शादी कब कर रहे? इसीलिए तो आपके पास हाजिर हुआ था, मुझे भी कोई नेक औरत ढूंढने, कोई पर्दादार पालबाज औरत जिसका किरदार सोने के कागज पे लिखे जाने के काबिल, जिसका अल्लाह से इश्क मुझसे ज्यादा हो। जात पात उम्र शक्ल सूरत मुझे कुछ नहीं पूछती। एक बेवा है। अच्छा, उसका किरदार सोने के कागज के ऊपर लिखने के काबिल है, उसकी नेकी दुनिया के तमाम खजानों से भारी है और उसका अल्लाह से इश्क अब्दुल आला की सारी उम्र की खताती से भी भर गया है। मुझे मंजूर है अब्दुल आला साहब, हर मेहर की एवज मंजूर। नाम क्या है उसका? हुस्ना। जलाल साहब ने मुझे ये नहीं बताया था क्या इस कदर हसीन? ये आपका हुस्न नजर है। आप हुस्न ही नहीं, हुस्न जहान है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए। अगर आपको पता चले कि मैंने आपसे कोई झूठ बोला तो? मैं आपको माफ कर दूं क्योंकि अब्दुल आला साहब ने आपके बारे में कहा है कि आपका किरदार सोने के कागज पे लिखे जाने के काबिल है। आपकी नेकी दुनिया के तमाम खजानों से भारी है और आपकी अल्लाह से मोहब्बत अब्दुल आला साहब की सारी जिंदगी की खत्ताती से बढ़कर, वो आपके बारे में गलत तो नहीं कह सकते। आप कुछ कहना चाह रही थी? कुछ नहीं। दुलाला साहब ने मुझे क्रूज कर दिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके तमाम कर्ज उतारने की इस्तेदाद रखता हूं। ये वो कर्ज है जो मैं कयामत के दिन भी नहीं उतार सकूंगी।